हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अलग तरीके से बेसन के लड्डू बनाए हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स और गूंद डालकर बेसन के लड्डू बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गोला ले लिया है, गूंद लिया है और काजू और बादाम ले लिए हैं, बूरा और बेसन और देसी घी। तो यहाँ पर रख ली है मैंने कढ़ाई और गैस को कर लिया है ऑन। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, 3 चम्मच यहाँ पर देसी घी सबसे पहले हम डालेंगे। और यहाँ पर हमें करने हैं बादाम और काजू फ्राई। तो यहाँ पर घी गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे हम ये काम करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने बादाम और काजू डाल लिए हैं और अब हमें इन्हें भूनना है। तो यहाँ पर जैसे बादाम तो पहले से ही ब्राउन है, तो इनको तो डार्क ब्राउन होने तक हमें भूनना है और काजू लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब बादाम भूनते हैं तो थोड़ा वो आवाज़ करते हैं, तो थोड़ा छींट का ध्यान रखकर यहाँ पर हम भूनेंगे। तो ये हमारे बादाम और काजू भुन चुके हैं, बस इतने ही हमें इन्हें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और यहाँ पर मैंने काजू और बादाम भून कर निकाल लिए हैं और अब हम यहाँ पर भूनेंगे गूंद। और ये गूंद एकदम से फूल जाता है घी में डालते ही, और लेकिन इसको तुरंत हमें नहीं निकालना है, थोड़ा सा इसको ब्राउन हमें करना है। नहीं तो ये अगर हम इसको वाइट ही निकाल लेंगे फूलते ही, तो ये फिर दांतों में चिपकता है। तो अब ये ब्राउन हो चुका है तो हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास मोटा गूंद है तो आप उसको तोड़कर बारीक कर लीजिए। बारीक गूंद आसानी से भुन भी जाता है और बारीक ही हमें यहाँ पर लड्डू में गूंद डालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बार फिर से गूंद डालेंगे, 2-3 बार में हम इसको भूनेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे तो और ज़्यादा ज़्यादा एक बार में हम भून सकते हैं यहाँ पर गूंद। तो ये फिर से हमने गूंद को भून लिया है और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पर अब हम जो हमने गोला पीस कर रखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये घी बचा हुआ था सब कुछ भूनने के बाद। तो अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए भून लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए ही हम बस इसको भूनेंगे। और इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और काजू और बादाम मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं और अब हम उनको, जब तक हमने ये सब कार्य किया है तो वे ठंडे हो गए हैं जब तक। और अब हम उनको भी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये यहाँ पर गोंद और गोला हो गया है और यहाँ पर हम इनको काजू और बादाम को पीस लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स पीस चुके हैं। इनको इतना ही हमें दरदरा भून यहाँ पर पीसना है, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक करना है। और अब हम चलेंगे बेसन को भूनने की तरफ। और बेसन तो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने सिंपल बेसन के लड्डू बनाकर दिखाए थे, उसी तरीके से हमें बेसन को भूनना है। यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन लिया है, सेम वही हमारा मेज़रमेंट रहेगा। आधा किलो अगर हम बेसन लेते हैं तो उसमें आधा किलो ही हम देसी घी डालेंगे और 1 किलो उसमें हम बूरा डालेंगे। ये बिल्कुल सही मीठा रहता है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। और फिर भी अगर और भी आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा बूरा आप कम कर लीजिए और थोड़ा सा इसमें घी भी कम कर दीजिए।
और यहाँ पर इस तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे, ये काम थोड़ा धीरे धीरे होता है क्योंकि एक कहावत है कि सहज पके सो मीठा होए, तो उसी तरीके से अगर हम जल्दबाजी करेंगे, तेज़ फ्लेम में इसको भूनने की कोशिश करेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये काम धीरे धीरे ही होता है, बेसन को हम धीरे धीरे भूनेंगे स्लो फ्लेम पे। और एक बार तो यहाँ पर ये हमें थोड़ा टाइट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये भुनना शुरू होगा तो ये ढीला होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा भूनने में आसानी भी होगी। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा ये यहाँ पर टाइट रहता है, लेकिन घी हमें उतना ही डालना है, उतने में बहुत ही अच्छे हमारे लड्डू बनते हैं। आधा किलो बेसन में आधा किलो घी डालेंगे तो एकदम सही हमारे लड्डू बनते हैं। और इस तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे। और ये जो मैंने नए तरीके के लड्डू बनाए हैं, ये एक बार अगर आपने बना लिए तो आप बार बार इसी तरीके के लड्डू बनाकर खाएंगे। गोंद का इतना अच्छा टेस्ट इन लड्डुओं में आता है कि आप खाएंगे तो आप सोचेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं पता था। और इसी तरह से लड्डू बनाकर आप खाएंगे। ये देखिए भूनते भूनते यहाँ पर देखिए थोड़ा ढीला हो गया है बेसन, और अब हम आसानी से इसको चला पाएंगे। अभी और भी ये थोड़ा और भुनेगा तो और ज़्यादा ढीला होता चला जाएगा। किचन में हम कई तरह के जादू देखते रहते हैं, ये भी एक जादू ही है कि कैसे पहले ये टाइट था और भुनते भुनते ये ढीला होता चला जाएगा। तो ये कई तरह के जादू होते रहते हैं किचन में भी। ये देखिए और ढीला होता जा रहा है, और अब इसको भूनने में भी आसानी हो रही है इस तरह से चलाने में। एक बार शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब ये हम शुरू में इसमें घी डालते हैं, उसके बाद ये आसानी से भुनता चला जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थोड़ा ब्राउन हो गया है, ज़्यादा इसको हमें नहीं भूनना है, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है फिर, और कढ़ाई गर्म रहती है इसलिए हमें इसको फटाफट से निकालना है और चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और ये थोड़ा सा ब्राउन हमें यहाँ से इसको करना था, और ये बिल्कुल सही हमारा बेसन भुन चुका है। और अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, और 10 मिनट बाद अब हम चलते हैं लड्डू बनाने की तरफ। ये ठंडा हो चुका है हमारा बेसन, और अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स और गोंद। ये देखिए जैसे सर्दी है तो घी जम गया है, और ये यहाँ पर लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का सा गर्म है बेसन, तो उसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और घी पिघल जाएगा। हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और अब हम यहाँ पर बेसन के साथ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पर डालेंगे बूरा। बूरा डालने के बाद हम अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। और इस तरह से अगर आप घर में बनाकर लड्डू खाएंगे तो बाज़ार से तो लाकर खाना भूल ही जाएंगे, और ना ही उनमें फिर वो टेस्ट आएगा जो घर के बने अपने हाथों से बने लड्डुओं में टेस्ट आता है। वो बाहर के बाज़ार के बने हुए लड्डुओं में टेस्ट नहीं हमें मिल पाता है। और इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, बूरा को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम बनाएंगे लड्डू। और काफ़ी आसान तरीके से ये लड्डू बन जाते हैं। सिंपल बेसन के लड्डू भी हम बनाकर खाते हैं, लेकिन अगर हम ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। और सर्दियों में तो हम खाते ही हैं अलग अलग तरह के लड्डू बना बना कर, तो इस तरह से भी आप खा सकते हैं बेसन के ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाकर। तो ये काफ़ी आसान तरीके से देखिए लड्डू यहाँ पर हमारे तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से आप लड्डू ज़रूर बनाकर खाइए।
और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस तरीके से यहाँ पर मैं सारे लड्डू बना लूँगी और ये काफ़ी टेस्टी हमारे लड्डू लगने वाले हैं खाने में। और फटाफट से मैं सारे लड्डू यहाँ पर बना लूँगी। तो इस तरीके से हम लड्डू बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डुओं को कर दिया है सर्व। तो आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे हमारे लड्डू लग रहे हैं। जितने देखने में लग रहे हैं खाने में भी उतना ही टेस्ट आने वाला है। धन्यवाद।